हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीई ऑनलाइन क्लासेस क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं आज हम पॉलिनोमियल्स। अब देखिए, पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने से पहले इसका मीन्स हमें समझ में आना चाहिए। पॉलिनोमियल्स, पॉली मीन्स मैनी और नोमियल्स मीन्स सिक्वेंसेस, मैनी सिक्वेंसेस, इट मीन्स मोर देन टू। अगर हमारे पास कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है मोर देन टू, उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। अभी डिस्कस करेंगे। तो पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो हमारे पास होती है, देखिए उससे भी पहले हम डिस्कस करने से पहले, पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म से डिस्कस करने से पहले, वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में नॉलेज लेंगे। वेरिएबल्स और कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। छोटी क्लासों में आपने पढ़ा भी है वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, अगेन डिस्कस कर लेते हैं। वेरिएबल्स को हम डिनोट करते हैं अल्फाबेट्स में, इट मीन्स ए बी सी एंड सो ऑन, एक्स वाई जेड। आप अल्फाबेट्स में जो जिन्हें डिनोट करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स। और कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, नंबर्स के अकॉर्डिंग इन्हें डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 5 कॉन्स्टेंट है, -5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, एटसेट्रा। तो कॉन्स्टेंट में क्या होंगे, नंबर्स होंगे, और वेरिएबल्स में क्या होंगे, अल्फाबेट्स होंगे। टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं, तो ये वेरिएबल और कॉन्स्टेंट है। अब एक चीज और आपको समझनी है, LHS इक्वल टू RHS। जैसे कोई हमारे पास एक्सप्रेशन या कोई इक्वेशन गिवन है 5x प्लस 3 इक्वल टू 8, तो इक्वल का जो ये वाला पार्ट होता है वो तो LHS कहलाता है, और इक्वल के इधर वाला पार्ट RHS कहलाता है, ये सभी को पता है। तो ये LHS पार्ट हो गया इसका लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारे पास कौन सा पार्ट हो गया, RHS, मीन्स राइट हैंड साइड। अब एक चीज ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड साइड में ऑलवेज वेरिएबल्स रहते हैं। अगर आपको यहाँ पर कॉन्स्टेंट नजर आए तो उसको ट्रांसफर कर देंगे राइट हैंड साइड, तो आपको याद रखना लेफ्ट हैंड साइड में ऑलवेज क्या रहेंगे, वेरिएबल्स, और राइट हैंड साइड में ऑलवेज क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट। अगर आपको राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट के साथ वेरिएबल नजर आए तो उसको हम ट्रांसफर करेंगे LHS में, अगर आपको LHS में वेरिएबल के साथ कोई कॉन्स्टेंट नजर आए तो उसको हम ट्रांसफर कर देंगे RHS। लेकिन ट्रांसफर करने पर दोनों साइड जो गिवन साइन है वो चेंज हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाते हैं, माइनस का प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज हो जाता है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चेंज, अपोजिट साइन है। जैसे इसी केस में हम देख लेते हैं, जैसे 5x प्लस 3 इक्वल टू 8 है, तो इक्वेशन प्लस के 3 को जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट है, राइट हैंड साइड में देना होगा इसको 8 माइनस 3, 5x इक्वल टू 8 में से 3 माइनस करेंगे क्या आएगा, 5। अब ये भी कॉन्स्टेंट है, लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल होना चाहिए, ओनली x रहना चाहिए, तो 5 को हम ट्रांसफर कर देंगे RHS में, 5x के मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में चले जाएगा, इट मीन्स x इक्वल टू 5 अपॉन 5, ये 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 5 बन जाए 5, 5 बन जाए 5, तो x की वैल्यू क्या आई, 1। तो ये हमें पता होना चाहिए एक्सप्रेशन, ये गिवन इक्वेशन LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड में ऑलवेज वेरिएबल होते हैं, राइट हैंड साइड में ऑलवेज कॉन्स्टेंट होते हैं। तो ये छोटे से एग्जाम्पल समझे, समझ वेरिएबल भी डिस्कस हो चुका है, कॉन्स्टेंट भी डिस्कस हो चुका है। इसके बाद जनरल टर्म्स पॉलिनोमियल के हम डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल्स जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें जो हमारे पास वेरिएबल का एक्सपोनेंट की फॉर्म में वेरिएबल्स को राइट करना क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल्स। जैसे जनरल फॉर्म ए एन एक्स पावर ऑफ एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर ऑफ एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स पावर ऑफ एन माइनस टू प्लस ए एन माइनस थ्री एक्स पावर ऑफ एन माइनस थ्री एंड सो ऑन चलता है। अब देखिए वेरिएबल की एक्सपोनेंट इट मीन्स पावर एक्स पावर ऑफ एन डिक्रीज होती जाएगी, देखिए यहाँ पर एन एन माइनस वन हो, फिर एन माइनस टू हो, फिर एन माइनस थ्री। तो ये जो ये फॉर्म है हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और जो वेरिएबल की एक्सपोनेंट पावर की फॉर्म में डिक्रीजिंग पावर के अकॉर्डिंग उसको राइट करना क्या होता है, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म आपको ये याद रखनी,
अब इसमें जो हम n की वैल्यू पुट करके सारी इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू 1 तो पुट करते हो जाएगा a1 वन एक्स पावर ऑफ 1 प्लस a1 वन माइनस 1 एक्स पावर ऑफ 1 माइनस 1। आगे पुट करेंगे तो 1 माइनस 2 नेगेटिव टर्म्स आएगी तो इसको हम ड्रॉप कर देंगे, नेगलेक्ट करते हैं, नेगेटिव टर्म्स हमें राइट नहीं करनी। तो कहने का मतलब इसके तरीके n इक्वल टू 1 है तो 1 तक पुट करेंगे, n इक्वल टू 2 है तो 2 तक पुट करेंगे, n इक्वल टू 3 है तो 3 तक पुट करेंगे, क्योंकि उसके आगे की टर्म्स क्या आएगी हमारे पास नेगेटिव आएगी, इसलिए उसको हम ड्रॉप करेंगे छोड़ेंगे। पुट n इक्वल टू 1, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a1 x प्लस ये क्या हो गया बेटा 1 माइनस 1 जी x इक्वल टू 1 माइनस 1 जी। अब आपको एक चीज याद रखनी, x पावर ऑफ 0 ऐसे ऐसे याद रखिए आप, चाहे वेरिएबल हो या फिर कॉन्स्टेंट, अगर उसकी पावर 0 है तो ऑलवेज वैल्यू उसकी क्या होगी 1 होगी, इसको आपको रिमेंबर रखना है। वेरिएबल हो या कॉन्स्टेंट हो अगर उसकी पावर क्या हो 0 हो तो ऑलवेज वैल्यू क्या होगी 1, तो इस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ए वन एक्स प्लस ए जीरो, तो हम इसको देखिए ये हमारे पास कांस्टेंट ही होता है, ए वन ए जीरो यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है क्योंकि नंबर्स में है हमारे पास, तो हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, इसको हम ए अज्यूम कर लेते हैं इसको बी, तो ये हो गया ए एक्स प्लस बी। तो हमारे पास एन इक्वल टू 1 पुट करने पर वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कितनी यहाँ पर 1, तो फाइंड होती है हमारे पास लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन n इक्वल टू 1 पुट करने पर जनरल फॉर्म में हमें क्या फाइंड होगी लीनियर इक्वेशन। अब ऐसे ही n इक्वल टू 2 पुट करके हम फाइंड करते हैं, पुट n इक्वल टू ये हो जाएगा a2 टू एक्स टू एक्स पावर ऑफ 2 प्लस a 2 माइनस 1 एक्स पावर ऑफ 2 माइनस 1 प्लस a 2 माइनस 2 एक्स पावर ऑफ 2 माइनस 2। अब आगे टर्म्स में नेगेटिव आएगी उसको हम नेगलेक्ट करेंगे छोड़ेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है हमें, तो हमने अभी आपको ट्रिक बताई थी n की वैल्यू 1 है तो 1 तक पुट करेंगे, 2 है तो 2 तक, 3 है तो 3 तक। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स वन प्लस ए जीरो एक्स पावर ऑफ जीरो, अभी हमने देखा था एक्स पावर ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसमें पुट कर देंगे ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो। अब ये भी कौन ए जीरो ए वन ए टू हमारे पास कॉन्स्टेंट ही है, कॉफिशेंट देखिए कॉन्स्टेंट कॉफिशेंट और वेरिएबल, अभी कॉफिशेंट के बारे में बताएंगे, जो नंबर हमारे पास वेरिएबल के मल्टीप्लाई में होता है उसे हम क्या बोलते हैं कॉफिशेंट, ए टू ए वन जैसे एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए टू तो कॉफिशेंट होगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट क्या होगा ए टू, एक्स का कॉफिशेंट क्या होगा ए वन, और ए जीरो क्या होगा कॉन्स्टेंट है क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं है। अब इसमें भी हम ए बी सी सिक्वेंस से अज्यूम कर लेंगे तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये जनरल टर्म्स आ जाएगी हमारे पास जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो कहने का मतलब है जो जनरल फॉर्म होती है हमारे पास पॉलीनोमियल की उसमें एन इक्वल टू वन पुट करके हमारे पास आती है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि लीनियर क्यों बोलते हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कितनी है 1 लीनियर, इसको क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल एक्स है और उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो इसलिए इसका नाम क्या हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही आप अब n इक्वल टू 3 पुट करके फाइंड करेंगे n इक्वल टू 3, तो पुट n इक्वल टू 3 जनरल फॉर्म में n इक्वल टू 3 पुट करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास a3 x3 a 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा a2 और पावर भी 3 में से 1 a2 डायरेक्ट राइट कर सकते हो, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 1 पावर 1 और ये 3 में से 3 माइनस करेंगे तो ये 0
ए जीरो और एक्स पावर ऑफ जीरो, और आगे की जो टर्म्स है वो नेगेटिव आएगी, उसको हम नेगलेक्ट करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स पावर ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होती है, अभी डिस्कस किया तो वन होती है, राइट कर देंगे ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो। अब इसमें भी हम ये देखिए ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री कॉन्स्टेंट है, कोफिशिएंट है, तो हम डायरेक्टली ए बी सी एंड डी अज्यूम कर लेंगे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये हमारे पास आ गई क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है x और उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो इसका नाम क्या होगा क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलीनोमियल भी बोल सकते हो और इक्वेशन भी बोल सकते हो, क्यूबिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, लीनियर पॉलीनोमियल, लीनियर इक्वेशन, ये पॉलीनोमियल ही है इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, एक्स, अगर कोई पूछ ले आपसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो याद रखना है कोफिशिएंट क्या होते हैं, वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो टर्म्स होती है, मतलब जो नंबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं कोफिशिएंट उसका। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो गया ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया बी, एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया सी, और डी क्या है यहाँ पर कॉन्स्टेंट, ओके।